तो दोस्तों और उनकी दोस्तियों सबको हमारा प्रणाम। अरे काहे ऐसा बोल रहा है भैया, गुड लक जेरी का ट्रेलर देखे हैं, जानवी कपूर का आने वाला फिल्म है। एक तो हमको ये समझ नहीं आता है कि स्टार किड्स को काहे इतना टफ टफ फिल्में दिया जाता है। नहीं देखिए, बड़का एक्ट्रेस आप उनको बना दीजिएगा, बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर बिहार से बनाना है तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना, का समझे नहीं समझे? अरे समझाते हैं, देखो कॉमेडी फिल्म है, फिल्म का ट्रेलर बहुत ही अच्छा है, मतलब मजा आ जाएगा देख करके आपको। एंड जानवी कपूर लुकिंग गुड, मतलब ठीक है, लेकिन जहां आती है बात वो एक्सेंट पकड़ने की, वो डायलेक्ट पकड़ने की, तो जब थोड़ा बोलना होता है तो भैया बहुत ही अच्छा, लेकिन जब बड़ा डायलॉग बोलना होता है तो पता लग जाता है कि यहाँ पे तो हग दिया गया है। कुल मिला के कॉमेडी अच्छी है, दीपक डोबरियाल है जो आपको जितने सीन में है ट्रेलर में गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे, आपको मजा आएगा। और जानवी कपूर ने कोशिश अच्छी की है, लेकिन कोशिश ही की है, कुछ आगे का हुआ नहीं है। तो मेरी ये जितने भी स्टार किड्स है ना, इनसे एक अपील है कि जब हम ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं, आप ऐसी फिल्में ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं ना, तो आप वो डायलेक्ट वो पकड़े ताकि ऑडियंस को मजा आए। अब ऐसा ना हो कि कोई हम बोलने से, देखिए भोजपुरी नहीं हो जाता है, बिहार से नहीं हो जाता है, हम लखनऊ में भी बोला जाता है, कई और जगह बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जानवी कपूर ने बस वो एक दो जगह के अलावा और कुछ नहीं। अब बात करते हैं कि ट्रेलर में क्या है, तो ट्रेलर में भैया ड्रग और उसको इधर उधर ले जाना, लास्ट में ड्रग का छुपा देना, वही कुछ है। लेकिन हाँ, इसकी कॉमेडी डेफिनेटली गुदगुदाएगी। सुशांत सिंह है जो विलन लग रहे हैं इस फिल्म में, ग्रे शेड में, मजा आ रहा है उन्हें देखकर। 29 जुलाई को ये रिलीज होने वाली है, लेकिन जानवी कपूर को सिंगल फिल्में दे दे के ये जो हिट करने की कोशिश की जा रही है ना, ये कितनी सक्सेसफुल होगी ये तो वक्त बताएगा। बाकी ट्रेलर देखो और बताओ कमेंट करके कैसा लगा, क्योंकि मुझे अगर कॉमेडी को देने हो तो यार 5 में से 3 दूंगा, लेकिन अगर जानवी को देने हो तो 5 में से 1। क्या है ना, थोड़ा सा अच्छी हो गई है उसके लिए, समझे? तो कमेंट करके बताओ क्या है सीन।